प्रैंक करने वाली बहू। शीना एक काफी सुंदर और सुशील लड़की थी। ये मुंबई शहर में अपनी माँ कमला और पिता कमलेश के साथ रहती थी। शीना को लोगों के संग प्रैंक करके उन्हें परेशान करने में काफी मजा आता था, जिस वजह से शीना के माता पिता उससे काफी परेशान रहते थे, जिस कारण वो शीना की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी राज से करवा देते हैं, ये सोच के कि शादी के बाद जब इस पे सारी जिम्मेदारियां आएंगी तो ये आगे चल के सुधर जाएगी। शादी के बाद शीना की सास जया कहती है, बहू, ओ बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो आज तेरे इस घर में पहला दिन है ना, तो आज की रसोई तू बनाएगी। और हाँ, खाने में कुछ मीठा भी बना लेना, खाने के बाद खाया जाएगा। जी माँ जी, ठीक है। ऐसा कह के शीना रसोई घर में चली जाती और खाना बनाने लगती है। रात को खाने के समय सबके खाने के बाद शीना अपने हाथों से बनाया हुआ डेजर्ट सबको ला कर देती है। शीना की सास जैसे ही खीर का एक निवाला मुंह में रखती है उसको थूक देती है। बहू, तुमने ये कैसी खीर बनाई है? शक्कर की जगह नमक भरा पड़ा है इस खीर में। हाँ शीना, क्या तुम्हें पता नहीं है कि खीर में नमक नहीं शक्कर पड़ती है? अरे पूरे मुंह का स्वाद तुमने बेस्वाद कर दिया यार। अरे लेकिन किसने कहा कि खीर में शक्कर पड़ता है? कोई बेवकूफी होगा वो। मैंने तो कभी शक्कर वाली खीर खाई ही नहीं। खीर में तो नमक ही पड़ता है, मुझे सब पता है। अरे अकल की अंधी, बेअकल घोड़ी, एक तो खीर में नमक डालकर पूरी खीर का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से कहती है कि खीर नमकीन होती है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। घर में पहली रसोई की रसम में ही मीठे की जगह नमक मिलाकर अपशगुन कर दिया, डायन कही की। अरे सासू माँ, चिल चिल करो, इट्स जस्ट अ प्रैंक। वो देखो, मैंने उस ग्लास के पीछे हिडन कैमरा छिपा कर रखा है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या शीना? ऐसे इस तरह का प्रैंक कौन करता है भला? हाँ हाँ, मैं करती हूँ। बहू, तू पागल वागल हो गई है क्या? खीर में नमक मिलाकर कहती है सासू माँ इज जस्ट अ प्रैंक। एक्चुअली क्या है ना माँ जी, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा यूट्यूब पर प्रैंक वीडियो का चैनल है। शादी की वजह से काफी दिनों से मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं करा और मेरी यूट्यूब की ऑडियंस बहुत परेशान हो रही थी, जिससे इस वजह से आज मैंने आपके साथ प्रैंक कर लिया। अरे सत्यानाश हो तेरा उल्टा कहीं की। तेरे मुँह माँ बाप ने ये तो बताया था कि लड़की यूट्यूबर है, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रैंक का चैनल खोल रखा है इसने। अगर प्रैंक ही करना था तो बताकर करती। अगर प्रैंक बताकर किया जाने लगे तो वो प्रैंक किस काम का जेलर साहब? अरे अरे, मेरा मतलब है सासू माँ। देख रहा है बेटा, अभी इसको एक दिन भी नहीं हुआ इस घर में और कैसी जुबान चला रही है। अरे माँ, तुम चिंता ना करो, तुम जाके सो जाओ, इसको मैं समझा दूंगा। ऐसा कहकर सब वहाँ से सोने चले जाते हैं। अगले दिन, बहू आज शाम को एक अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। क्यों माँ जी, हम कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, वो मोहल्ले की कुछ औरतें आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं, इसलिए पहन कर रखना। ठीक है माँ जी। लेकिन ओ अकल की दुश्मन, शाम को कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना कि मेरी नाक कट जाए, समझी? समझ गई माँ जी। चल ठीक है, जब जाकर काम कर। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर शीना रसोई में चली जाती है और जया सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। शाम के समय जब मोहल्ले की सारी औरतें जया के घर शीना की मुंह दिखाई करने आती हैं, तब मोहल्लों की औरतों में से एक बोल पड़ती है, अरे जया बहन, कहाँ है तुम्हारी बहू? आई नहीं अभी तक, बुलाओ उसे। हाँ जया, हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं उसका। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर जया अंदर चली जाती है और कुछ समय बाद बहू को लेकर बाहर आती है। लेकिन ये क्या, बहू ने अपने चेहरे पर एक लंबा सा घूंघट ले रखा है। उसको देखकर एक औरत बोल पड़ती है, अरे जया, ये क्या, तेरी बहू ने तो एक हाथ का घूंघट ही ले रखा है, अब हम इसकी मुंह दिखाई कैसे करेंगे? अरे सीमा, शायद बहू चाहती है कि हम अपने हाथ से उसका घूंघट हटाकर उसके मुंह दिखाई करें। अरे हाँ राधा, मैंने ना वो फिल्मों में देखा है कि औरतें आके नई दुल्हन का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखती हैं और उससे अच्छे अच्छे गिफ्ट देती हैं। हाँ। अरे बातें ही करोगी या मुंह दिखाई की शुरुआत भी करोगी? हाँ हाँ।
ऐसा कहकर जैसे ही राधा शीना के चेहरे से घूंघट हटाती है, वो शीना को देखकर एकदम दंग रह जाती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? ये क्या जया, ये तो मूछे वाली बहू लेकर आई है तू? जी आंटी जी, मैं आपको कैसी लगी? ये सब देखकर जया चकरा जाती है। बहू, ये सब क्या है, फिर से एक नया स्यापा? तभी बीच में सीमा बोल पड़ती है, बहू नहीं दामाद जी का, ये जया बहन। सीमा की बातें सुनकर बाकी औरतें भी हंसने लग जाती हैं। सासू माँ, आज मेरी मुंह दिखाई है और यहाँ ये मोहल्ले की औरतें हैं और यहाँ हम मुंह दिखाई कर रहे हैं। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये तमाशा क्यों कर रही है और ये मूछें कैसी हैं तेरी? ये तो टैटू है, आपको तो पता है ना सासू माँ, फिर भी पूछ रही हो। आपको मैंने बताया था ना कि मुझे मूछे कितनी पसंद है, जिस कारण मैंने टैटू बनवा लिया। जया, तू इतनी मॉडर्न हो गई कि मॉडर्न बहू ले आई, हमें तो पता ही नहीं था। सीमा की बातें सुन के सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। अब बस भी करो तुम लोग, और बहू तू, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर सास शीना की नकली मूछे निकाल देती है। माँ जी, हमने क्या किया, इतना अच्छा प्रैंक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था मेरा। मोहल्ले की सभी औरतें एक साथ बोल पड़ती हैं। प्रैंक? प्रैंक? हाँ आंटीज, ये प्रैंक था। वो देखो, वहाँ टीवी के पास रखे फ्लावर पॉट के पीछे कैमरा हाइड है। वाह रे जया, तूने बताया नहीं, तेरी बहू इतना बढ़िया प्रैंक करती है। वाह भाई, मजा ही आ गया। हाँ सच में। जया सर पर हाथ रख लेती है, तभी शीना कहती है, कहाँ मजा आया आंटी जी, माँ जी ने मूछे निकाल कर पूरा गेम ही खराब कर दिया। हाँ सो तो है, ये बात बराबर बोली बेटा तूने। वैसे जया, बहू तो बड़ी सुंदर लाई है तू। हाँ बहन, बस मिल गई कहीं से। तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी जी। चलो अब हम लोग चलते हैं। हाँ बहन चलो अब, बाय। ऐसा कहकर सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। सबके जाने के बाद जया गुस्से में कहती है, अरे ओ डायन, अभी दो दिन ही हुए तुझे इस घर में आए हुए, मुझे चैन से जीने देना चाहती है या नहीं? जब से आई है बस प्रैंक प्रैंक प्रैंक, तेरे इस कैमरे में तो आग ही लगा दूंगी, समझी? सुनो सासू माँ, जो करना है कर लो, नहीं डरती मैं आपकी इस धमकी से। ऐसा कहकर शीना अपने कमरे में चली जाती है। अरे दो दिन ही हुए इस घर में आए हुए और यहाँ आते ही जुबान छुरी की धार की तरह तेज हो गई है, शादी के पहले तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। तभी वहाँ पे राज आ जाता है। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? जाकर अपनी बीवी से पूछ क्यों हूँ परेशान मैं। लगता है आज आप फिर से उसके प्रैंक का शिकार हो गई हो। दांत ना निकाल, वैसे ही दिमाग का दही हो गया है। तभी राज चुप हो जाता है और शीना वहाँ हॉल के पास आकर अपनी सास से कहती है, माँ थोड़ी सी दही मुझे भी मिलेगी क्या? वो क्या है ना, प्रैंक बना बना कर पेट में एसिडिटी हो गई है। जा फ्रिज में रखा है, जाकर खा ले, अब मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कहकर जया वहाँ से चली जाती है और शीना और राज हंसने लगते हैं। कमरे में, अरे शीना, तुम इतने प्रैंक वीडियोस बना बना के माँ को तंग मत किया करो। तुम तो चुप ही रहो, मैं प्रैंक किए बिना नहीं रह सकती। ये भी एक प्रैंक था ना। अब ज्यादा हंसो मत, एक काम करो, वो जो अलमारी के ऊपर एक बैग रखा है उतार दो ना, उसमें मेरा पेन ड्राइव है, एक्चुअली मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा वहाँ तक। तो एक काम करो, अपनी जुबान से उतार लो, तुम्हारी जुबान तो भी इतनी लंबी है कि वो बैग आराम से उतर जाएगा। हो गया ना, चुपचाप सो जाओ। कुछ दिनों के बाद आधी रात के समय जब घर में सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी जया के कमरे में कोई घुसता है और अचानक से जया की नींद खुल जाती है। कौन हो तुम? ए बुढ़िया, जल्दी से अपने सारे गहने तिजोरी से निकाल कर मुझे दे दे, वरना मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगी, समझी क्या? लेकिन तुम हो कौन, मैं अपने गहने तुम्हें क्यों दूं? मैं तुम्हारी बहू। बहू तू? अरे मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी बहू बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मुझे धोखा देके उस शीना चुड़ैल से शादी कर ली, जिस कारण मैं डाकू बन गई हूँ और अब मैं तुम्हारा घर लूटने आई हूँ, और अगर तुमने थोड़ी भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में डाल दूंगी। शीना के इतना बोलते ही
जया जमीन पर गिरकर दिल का दौरा पड़ने की एक्टिंग करने लगती है, जिस कारण शीना डर जाती है। अरे सासू माँ, आपको क्या हो गया? मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैं आपसे मैं कभी प्रैंक नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे प्रैंक की वजह से अटैक आ जाएगा। तभी राज वहाँ आ जाता है। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो शीना? प्रैंक। क्या? हाँ, और इस वजह से मम्मी जी को अटैक आ गया। मम्मी जी उठ जाओ, मैं अब से कभी प्रैंक नहीं करूंगी, प्रॉमिस। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रैंक इतना बुरा होगा। क्या सच में अब तू प्रैंक नहीं करेगी ना बहू? क्या आपको कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं तो तेरे साथ प्रैंक कर रही थी। सॉरी मम्मी जी, अब मुझे समझ में आ गया है कि कभी कभी प्रैंक करना कितना खतरनाक हो सकता है। अब से मैं कभी प्रैंक नहीं करूंगी। नहीं शीना, तुम प्रैंक करो। नहीं, मुझे अब अपनी गलती रियलाइज हो गई है। प्रैंक तो तुम करोगी बहू, लेकिन केवल तुम नहीं, हम भी, बट प्रैंक करने के टाइम पर, समझी? हाँ। तो दोस्तों, देखा आपने, कई बार कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा करने पर कितनी ज्यादा घातक हो सकती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आप पछताए तो हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते आप संभल जाइए, इसी में सबकी भलाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। संग में आने वाली कहानियों को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।